तो आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, यदि ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। इसमें बोलता है ए और बी ये समकोण है, मतलब न्यून कोण है ना। न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो देखिए दोनों 90 डिग्री से कम है, ठीक ना। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया है, पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया है इसमें कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है ना, न्यून कोण है, ठीक ना। तो ये किसमें है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और सिद्ध क्या करना है हमको, या दर्शाना क्या है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, है ना। दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। और इसमें दिया क्या है, यहाँ पे छूट गया, लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना, ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसको लिखते हैं हल या उत्पत्ति। देखिए चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए कॉस ए पर तो कॉस का क्या होता है, क्या अनुपात होता है, तो देखिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना, आधार बटे कर्ण होता है। और कोण ए के लिए, अगर हम कोण ए के लिए बात करें, तो देखिए ये रहा कोण ए, ये रहा, ठीक ना। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, है ना। और चूंकि समकोण है तो ये तो कर्ण हो ही गया, और ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ठीक ना। तो इस हिसाब से कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार ए सी बटे कर्ण क्या है ए बी बराबर। अब कॉस बी के लिए देखिए, तो कॉस बी लिखेंगे, देखिए ये कोण की बात कर रहे हैं आप, ठीक ना। तो इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो गई और ये आधार हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए इसका फॉर्मूला भी यही होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार, देखिए ये रहा आधार काम किया, तो ये लिखेंगे बी सी, बी सी बटे, और कर्ण होता है तो कर्ण क्या है ए बी है, ठीक ना। तो अब देखिए हर में दोनों तरफ ए बी है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो इसका गुणा करके के बात कर सकते हैं, लिखें ए सी गुणे ए बी बराबर बी सी गुणे ए बी, ठीक ना। तिरे गुणा कर लिया, ये कट गया, तो बचा ए सी बराबर बी सी। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, देखिए ए सी ये वाली भुजा इस बी सी के बराबर है, ठीक ना। तो अगर देखिए दो भुजा बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण या सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ए सी के सामने कौन सा कोण है, ए सी के सामने वाला ये कोण बी है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर, और बी सी कहाँ, ये रहा बी सी के सामने वाला कोण ये है कोण ए, तो बराबर ए। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। इसलिए कोण दोनों बराबर हो गया। तो हमको क्या सिद्ध करना था, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, है ना, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो देखिए जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 इसमें लिखा है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक ना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो यह है समकोण त्रिभुज,
और ये 90 डिग्री और थीटा है तो यहाँ थीटा लिख लेंगे, ठीक ना। और ए बी सी नामकरण कर लिया। अब देखिए कॉट का लिखा है तो कॉट का इसको टेन में भी बदल सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर 8/7 है ना। इसका ऊपर नीचे लिख लिया तो टेन का माना जा रहा है, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक ना। तो लंब बटे आधार, तो इसमें लंब देखिए ये है लंब 8 और आधार ये 7। तो इस दो भुजाओं ज्ञात हो गई, अब तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं, ए सी का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया, और बी सी मतलब लंब का स्क्वायर हो गया। तो इसमें ए बी कितना है, 7 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, 8 का स्क्वायर, 7 × 49, 8 × 64, ठीक ना। इनको जोड़ लेंगे, 9 × 4 = 13, हासिल 1 × 6 = 10 = 11। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना हो गया, करणी में 113। तो इस प्रकार ये ए सी मान ज्ञात हो गया 113, है ना। अब देखिए क्या ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाग है इसमें, देखिए लिखा है 1 + sin θ और 1 − sin θ बटे 1 + cos θ और 1 − cos θ, ठीक ना। तो पहले इस भाग को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें लिखे देखिए, ये है देखिए x + y x − y, ठीक ना। दोनों कोष्टक में सेम चीज लिखा है, मगर एक प्लस में लिखा और एक माइनस में लिखा है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x + y और x − y का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, x + y और x − y बराबर x² − y², तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। और नीचे भी वही फॉर्मूला है ना। तो 1 देखिए x + y x − y, तो इसका होगा x² − y², तो देखिए इसको लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 x² है तो जगह 1 का स्क्वायर, और माइनस में है तो माइनस में, और y का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। बट नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर − cos θ² बराबर, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 − इसको हम sin²θ लिख सकते हैं इस प्रकार, बटे 1 − cos²θ। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं हम लोग, है ना। साइन थीटा का मान कितना आएगा, तो देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 1 − sin का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण 113 है, पूरा स्क्वायर लगा लिया, बटे 1 − और कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लिखिए 7/√113, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे, देखिए यहां से कर लेते हैं, ठीक ना, यहां लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा x² − y² है, ठीक ना। अब इसके नीचे वहां लिखते हैं हम, लेकिन 1 − देखिए 8 का वर्ग 64 बटे करणी 113 का वर्ग 113, मेन बटा ये हो गया। फिर नीचे भी यही लिखा है 1 − तो 1 − और 7 का वर्ग 49 बटे करणी 113 का वर्ग 113। अब इनका ऊपर में लघुत्तम लेंगे तो 113 − 64 पूरे के बटे 113, मेन बटा ये हो गया 113 − 49 / 113। तो अब देखिए 113 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, तो 113 में 64 घटा लेते हैं यहाँ पर,
ये हो गया 49 आ रहा है, तो लिखते हैं यहाँ लिख देंगे 49 बटे 113, मेन बटा ये है। अब लिखेंगे 113 में अगर 49 घटाएंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा बटे 113। अब देखिए ये बाहर, देखिए बाहर बाहर गुणा किया जाता है और अंदर अंदर गुणा किया जाता है, इस प्रकार जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 49 गुणे 113 बटे, अब अंदर अंदर गुणा कर रहे हैं तो लिखेंगे 64 गुणे 113। इस प्रकार 113 एकम 113 एकम कट गया, तो ये हो गया 49 बटे 64। तो देखिए ये इसका पहले भाग का उत्तर आ गया। अब दूसरा भाग देख लेते हैं, तो दूसरे भाग में लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए आपको कॉट थीटा का मान दे रखा था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका मान होगा 7/8 का वर्क कर लीजिए, है ना। कॉट थीटा का मान दिया है, वर्क करना है तो वर्क कर लेते हैं, तो ये आ गया 49/64, ठीक ना। तो इस प्रकार ये दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में लिखा है 3 cot A = 4, है ना। 3 cot A = 4, तो ये हो जाएगा cot A = 4/3। तो या तो cot का ही मान लिख लेते हैं, तो देखिए इस बार cot का ही लिख लेते हैं। देखिए अगर ये cot 10 का उल्टा है ना, 10 होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। तो इसको लिख लीजिए, चाहे 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 में हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। और एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और ये रहा इसमें ए है, तो ए यहाँ लिखते हैं ABC, है ना। जिस कोण के लिए दिया, यहाँ कोण ए लिखा हुआ है, तो यहाँ ए ही शुरू करेंगे, ABC। अब इसमें आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो हम इसका कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग है ना, AC² = AB² + BC² तो इसमें AB कितना है 4 का वर्ग कर लिया, तो ये 3 का वर्ग हो गया। इस प्रकार 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, तो हो गया AC², तो AC का मान कितना हो गया करणी में 25, है ना। ये वर्ग है तो ये वर्गमूल बनता है, और 25 का 5, है ना, 5 5 25। इस प्रकार हमको AC आ गया 5 मान आ गया, है ना। अब देखते हैं किस क्या मान ज्ञात करना है, तो इसमें जांच करना है, ठीक ना। तो देखिए लिख लेते हैं हम क्या जांच करना है, 1 - 10² A / 1 + 10² A। अगर इसको हल करें तो इतना आना चाहिए, cos² A - sin² A, इतना हमको प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें मान रख लेते हैं, आप देखिए ये दाया पक्ष है, बायां पक्ष है, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, या तो किसी एक पक्ष को लेके चलिए और फिर दूसरा पक्ष लेके चलते हैं। तो देखिए ये दाया पक्ष, ये बायां पक्ष, तो हम पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं, तो ये हो गया बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या है, 1 - 10² A / 1 + 10² A, है ना। अब इसमें 10 का मान रख देंगे, तो देखिए इसमें 10 का मान बहुत सरल तरीके से रखा जाएगा। देखिए cot का मान दे रखा था, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 10 का 3/4 हो जाएगा। या यहाँ से भी देखेंगे तो 10 हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4 का वर्ग / 1 + ये भी यही चीज़ लिखा है, तो 3/4 का वर्ग कर लिया। अब इसको हल कर लेंगे तो जाएगा 1 - 3 का वर्ग 9 + 4 का वर्ग 16 / 1 + 3 का वर्ग 9 + 4 का वर्ग
16, ठीक ना। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 माइनस 9 लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 माइनस 9 बटे 16, ये पूरे के बटे 16 आ जाता है, फिर 16 एकम 16 प्लस 9 और ये बटे 16 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको आप इसके नीचे ही लिखते चले जाइएगा, ठीक ना। यहाँ जय ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ लिख दिया था, अब देखिए इसको अब मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जाएगा 16 में 9 गया, यही चलिए लिख देता हूँ मैं, तो 16 में 9 गया तो 9 10 7 हो जाएगा, 7 बटे 16 बटे ये 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 25 बटे 16। देखिए बटे के ऊपर भी बटा है, नीचे के बटा भी है ना, बटा में है, तो क्या होगा, बाहर बाहर का गुणा किया जाता है, इस प्रकार 7 गुणे 16 बटे और इसका इसका गुणा अंदर अंदर गुणा किया जाता है, तो हो जाएगा 25 गुणे 16 है ना, 25 गुणे 16, तो ये 16 16 कैंसिल, ये आया 7 बटे 25 आ गया, ठीक ना। तो दाएं बाएं बाएं पक्ष में इतना आ गया, अब इस तरह दाएं पक्ष का लिख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, लिखते हैं दाया पक्ष। तो दाएं पक्ष में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, इसमें मान रख लेते हैं, तो हमको इतना मान रखेंगे तो इतना हमको प्राप्त होना चाहिए, तो कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो 4 बटे 5 का वर्ग माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे 3 बटे 5 का वर्ग, ये हो गया 4 का 16 5 का 25, 3 का 9 5 का 25, इसका हर 25 हो गया है ना, सेम हर है तो 25 हो गया, ये हो गया 16 माइनस 9, इस प्रकार 7 बटे 25 आ गया। देखिए इसका भी 7 बटे 25, इसका भी 7 बटे 25, तो इस प्रकार लेंगे, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, तो इसको ले सकते हैं इति सिद्धम है ना, सिद्ध हुआ, ये हो गया, ठीक ना। तो इसको ऐसे ही रखना था, तो इस पर प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक ना, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं प्रश्न नंबर 9 के लिए, एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ बना लेते हैं, देखिए ये रहा समकोण त्रिभुज, फिर बोलता है जिसका बी समकोण है, तो ये बी यहाँ समकोण लिख लिया, ठीक ना। और इसमें लिखा है यदि टेन ए बराबर 1 बटे कर्णी 3, ठीक ना, ये दिया हुआ है, तो अगर देखिए टेन ए है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए बी और बचा ये सी, तो यहाँ सी लिख लेते हैं, ये होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटे आधार, इस प्रकार ये लंब 1 हो गया और आधार कर्णी 3 हो गया, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या लिखेंगे, देखिए कर्ण का वर्ग, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग है ना, तो ए सी का वर्ग कितना आ जाएगा, ए बी कितना है, ये है कर्णी 3 का वर्ग प्लस बी सी कितना है, 1 का वर्ग, तो कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, इस प्रकार 3 प्लस 1 बराबर 4, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर, अब ए सी ज्ञात करेंगे तो ये वर्ग इस पर वर्गमूल बन जाएगा, इस प्रकार ए सी बराबर ये 2 हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4, तो ये हो गया ए सी का मान ज्ञात हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक ना, ये लिखा हुआ है ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले साइन ए, देखिए जैसे बोला
इसमें ये कोण ए है, तो इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार, ठीक ना। तो इस ए कोण ए के लिए साइन ए और कॉस ए का मान जैसे लिखा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, इसके हिसाब से यहाँ रख लेंगे। तो साइन ए का मान कितना आता है, लंब बटे कर्ण। इस प्रकार लंब बटे कर्ण मतलब एक बटे दो हो गया इन टू। अब देखिए कोण सी पर है, तो कोण सी वाला अभी इसके साथ दोनों को कर लेंगे। पहले साइन ए और कॉस ए का मान रख लेते हैं, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार कितना है, कर्णी दो, और कर्ण कितना है, दो, ठीक ना। ये साइन ए एक कोण पर आ गया। अब सी वाले पर देखेंगे, तो ये सी कोण है, तो इसके सामने वाला अब ये लंब का काम करेगा, ठीक ना। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना, ये लंब ये आधार। तो कॉस सी का मान निकालेंगे, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे एक बटे दो हो गया। और साइन सी, तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्णी दो बटे, कर्णी तीन बटे दो लिख देते हैं, तो ये हो गया, लिख लिया। अब हो जाएगा एक बटे चार प्लस कर्णी तीन, कर्णी तीन का गुणा करेंगे तो तीन हो जाएगा, दो दूनी चार, तो ये हो गया हर कितना है, चार, और हर सेम है तो एक बार लिख लिया चार, और ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लिया। तो इस प्रकार तीन और एक चार, चार बटे चार, तो कट के चार एकम चार, चार एकम चार, तो एक प्राप्त हुआ, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है दूसरा भाग। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी, तो देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक ना। तो देखिए इस वाले में फिर से देखते हैं इसको, देखिए ये कोण ए के लिए, ठीक ना, पहले कोण ए पर देखेंगे फिर कोण सी पर देखेंगे। चूंकि ये कोण ए पर ये सामने वाली भुजा, ये सामने वाली कोण ए के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और ये आधार, ठीक ना। तो इस प्रकार कोण ए पर जो जो है उसका मान पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो लिखते हैं कर्णी तीन बटे दो, ठीक ना। और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए का भी लिख लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो एक बटे दो लिख लिया, ठीक ना। अब कोण सी के लिए देखते हैं, तो देखिए कोण सी के लिए अगर लिखेंगे, तो देखिए ये रहा कोण सी, तो अब इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक ना, और इसको आधार बोलेंगे, ठीक ना। याद इसको हटा लेते हैं, ये हो गया ऐसे, तो ये हो गया ये लंब और ये आधार। तो अब देखिए कॉस सी, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार एक हो गया और कर्ण दो हो गया। और साइन सी, तो साइन सी, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब क्या है, कर्णी तीन और बटे दो कर्ण हो गया। तो इसको हल करेंगे, तो कर्णी तीन एक कम, कर्णी तीन दो दुनी चार, माइनस कर्णी तीन एक कम, कर्णी तीन बटे दो दुनी चार, देखिए सेम चीज आ गया, तो ये जीरो हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण, तो क्यू कोण कौन सा है, ये देखिए एक समकोण बना लिया, ये समकोण है, तो इसमें ये जो समकोण है, समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, तो उसमें बता क्यू समकोण पर रखिए, है ना। अब लिखना है, तो इसमें और नामकरण कर लेते हैं, आप पी क्यू और ये आर लिख लिया, तो त्रिभुज पी क्यू आर में इस तरह नामकरण कर लिया। इसमें लिखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर निकालना है ना। तो दिया है, तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, देखते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना है, है ना। तो इन तीनों का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए इसका तो कंफर्म 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मगर इसमें लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर
और क्यू आर, इन दोनों का योगफल आपको 25 दिया हुआ है ना। तो योगफल 25 दिया है, तो हम इनमें से किसी एक को पहले यक्ष मान लेते हैं, तो मान लिया इसी को यक्ष मान लेते हैं, ठीक ना। तो अगर दो, इन दो भुजाओं का योगफल अगर टोटल 25 दिया है, उसमें से अगर एक यक्ष मान लिया, तो ये वाली शेष भुजा कितनी बचेगी, 25 माइनस एक्स बचेगी, ठीक ना। जैसे अगर कुल योगफल अगर 25 है, तो उनमें से एक भुजा अगर यक्ष मान रहे हैं, तो दूसरी भुजा इस टोटल में से जो भुजा माने उसको माइनस करेंगे, तो दूसरी भुजा का लंबाई ज्ञात हो जाता है। तो कुल इन इस भुजा का योगफल 25 दिया है, उनमें से अगर एक भुजा हम यक्ष मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस यक्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक ना। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए कर्ण का वर्ग होता है, तो लिखते हैं पी आर का वर्ग बराबर क्यू पी का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, है ना। तो पी आर कितना दिया है, 25 है ना, 25 माइनस एक्स निकाले हैं, यहाँ लिखते हैं स्क्वायर बराबर क्यू पी कितना है, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग लिख लेते हैं, प्लस क्यू आर कितना है, एक्स का वर्ग, तो ये एक्स का वर्ग लिख लिया। अब देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये लिखेंगे यक्स माइनस वाई का होल पावर 2, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका ये फॉर्म लगाएंगे, तो जहाँ पर यक्स है वहाँ 25 और जहाँ वाई है वहाँ यक्स लेके चलेंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं यक्स का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब ये यक्स का स्क्वायर, ठीक ना। वाई के स्थान पर यहाँ यक्स लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू यक्स इंटू वाई, वाई का मतलब यहाँ एक्स दिया हुआ है, बराबर 5 का वर्ग 25 और ये एक्स स्क्वायर हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें यक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ये दोनों तरफ है इसलिए हट गया। आप 25 का वर्ग कितना होता है, तो होता है ये 625, है ना, 25 × 25 625, ये हुआ 25 × 50 बराबर, देखिए 25 × 50 एक्स बराबर 25 हो गया, है ना। अब इसको अचर पद को एक तरफ दाईं तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 25 माइनस 625, तो ये हो गया 50x बराबर 625, 25 तो हो गया माइनस 600, है ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएं तो माइनस में आ गया, ये माइनस हट गया, x बराबर 600/50, ये जीरो इस जीरो से कट गया और 5 एक कम, अब 12 बार में 60 कट जाएगा, तो इस प्रकार यक्स बराबर 12 आ गया, ठीक ना। तो 12 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 12 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, अतः देखिए हमको ज्ञात हो गया, अतः यक्स बराबर 12, और मतलब ये यक्स बराबर 12 मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखें, क्यू आर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 12, है ना, यक्स है तो 12 रख लिया, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक ना, ये हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया है 13 और ये हो गया है, ये 12 हो गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या मान ज्ञात करना है, साइन पी, अच्छा ये ज्ञात करना है, तो लिखते हैं, अब लिखते हैं साइन पी बराबर, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हो गया 12/13, और कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण, तो 5/13, और टेन पी बराबर ये लंब बटे आधार, तो हो गया 12/5, ठीक ना। इस प्रकार तीनों का मान ज्ञात हो गया, इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 हो गया। एक अंतिम सवाल बचा है 11, उसको देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में सत्य असत्य लिखना है, ठीक ना।
तो सत्य सत्य में देखिए पहला प्रश्न में है तो लिखा है टेन ए है ना, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, ठीक ना। तो एक देखिए टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है या नहीं तो उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, देखिए अगर टेन जीरो की बात करें तो ये जीरो होता है, टेन थर्टी की बात करें तो एक बटे कर्णी तीन होता है, टेन पैंतालीस का मान बात करें तो ये एक होता है, इसी प्रकार टेन सिक्सटी का मान एक होता है, सॉरी टेन पैंतालीस तो ये हो गया कर्णी तीन होता है, और टेन नाइन्टी का बात करें तो ये अपरिभाषित होता है ना। तो इस प्रकार देखिए टेन का मान, देखिए इसमें लिखा एक से हमेशा कम होता है, तो देखिए एक से हमेशा कम नहीं होता है, देखिए कर्णी तीन का मान 1.73 के लगभग ऐसे होता है, मतलब एक का एक से अधिक मान आ गया, तो इस प्रकार ये प्रश्न का ये असत्य हो जाएगा, ठीक ना। एक से हमेशा कम नहीं होता, इसका एक से अधिक मान भी होता है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं, ठीक ना। तो लिखते हैं इसमें सेक ए बराबर 12/5, ठीक ना। चेक करते हैं इसको कि क्या ये होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए इसमें लिखा है सेक, सेक होता है, देखिए सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना है इसमें, देखिए 12, आधार ये 5 है, ठीक है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, देखिए 5 का स्क्वायर, बी सी कितना हो गया, अब देखिए ए सी 12 का स्क्वायर होता है, इस प्रकार 25 प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 144। तो ये देखिए यह आया बी सी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, तो ये आ गया बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए इसको अगर 144 में 25 घटा के देखते हैं कितना आता है, ये हो गया 119। तो बी सी का मान आया करनी में 119। तो देखिए बी सी का भी मान ज्ञात हो गया, मतलब इसका कुछ मान आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर तीनों भुजा मान आ गया तो 12 संभव है, ठीक ना। तो ये स्थिति भी संभव है, अगर यहाँ पर अगर कुछ माइनस में अगर इस प्रकार आया होता, देखिए माइनस में करनी 5 है ना, माइनस 5 करनी के अंदर गया होता, मतलब इस प्रकार अवास्तविक संख्या प्राप्त हुआ रहता, तो हम मान बोलते कि सेक एक बराबर 12/5 संभव नहीं है, ठीक ना। तो ये चूंकि मान आ गया, इसका मान जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कुछ न कुछ इस भुजा की लंबाई ज्ञात होगी, इसलिए ये सत्य हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार आप तीसरा भाग देखते हैं क्या है, देखिए इसमें लिखा है थर्ड में, तो लिखा है कॉस ए, कॉस ए का बोलता है कोण ए के लिए कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, पहले संक्षिप्त रूप लिख देता हूं। देखिए इसमें लिखा है एस आई एन ए, ठीक ना, इसको बोलते हैं साइन, हम लोग संक्षिप्त रूप में लेते हैं, अगर ए है तो यहां पर ए ले लेते हैं, ठीक ना, फिर को साइन लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कॉस, ठीक ना, फिर इसको टेंजेंट, अगर कोण ए है तो इसको बोलते हैं टेन ए लिखते हैं, ठीक ना, फिर कोसेकेंट, और कोण ए है तो लिखेंगे कोसेक ए, है ना, इनका ये संक्षिप्त रूप है, और सीकेंट ए तो इसको बोलते हैं सेक ए, फिर कोटेंजेंट, टेंजेंट ऐसे लिखा था, कोण टेंजेंट मतलब इसको बोलते हैं कॉट ए, ठीक ना। अब हमको चाहिए था क्या चीज़ दिया हुआ था, कोसेकेंट, कोसेकेंट, देखिए कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक का, तो कॉस ए का नहीं है, इस प्रकार ये असत्य हो गया, ठीक ना। तो अब थर्ड हो गया, चौथा और पांचवा भाग देख लेते हैं।
इसमें लिखा है चौथा भाग कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए कॉट ए बोलता है, इसको ज्ञात करना हो तो देखिए कॉट गुणे ए है, ठीक ना, कॉट और ए का गुणनफल, जो बिल्कुल गलत है, ठीक ना, ये असत्य होगा, ठीक ना। देखिए क्या होता है, ये कोण होता है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कॉट ए को कॉट गुणे ए नहीं लिख सकते। पांचवा लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन चार, साइन थीटा बराबर चार बटे तीन हो सकता है कि नहीं, इसको चेक करना है, ठीक ना, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका होता है देखिए लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना, तो हम लंब बटे कर्ण के लिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये हो गया, तो ये लंब चार हो गया, कर्ण तीन हो गया और ये अन्य भुजा हो गई, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगर इसी को देख के देखें तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक ना, तो चूंकि सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा की देखिए तीन है और अन्य भुजा देखिए बता रहा है चार, तो सबसे बड़ी भुजा को सबसे अधिक बड़ी होनी चाहिए थी, मगर सबसे बड़ी भुजा देखिए तीन कम बता रहा है और ये जो लंब है ये चार बता रहा है, जो ये गलत है ना। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है तो सबसे अधिक मान कर्ण का ही होना चाहिए था, इस प्रकार ये असत्य हो गया, ठीक ना, तो ये असत्य हुआ। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त होती है।